एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर लेकर आ गई हूँ मैं एक रूम मेकओवर। पिछला मैंने सबसे पहले वीडियो डाला था ना, एक बार मैंने रूम मेकओवर का, इस वाले रूम में जब से मैं आई हूँ, शिफ्ट हुई हूँ, तो उस वीडियो पे मेरे बहुत अच्छे खासे व्यूज़ हो रहे हैं। तो वो 1 लाख में होने वाला है वीडियो, तो उसे बहुत प्यार दिया। तो उसी तरह का मैं एक और वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ चीज़ें मैंने मीशो से बाई करी हैं, तो उन्हीं का आज इस वीडियो में आपको रिव्यू भी मिलेगा। और उसके बाद उन्हीं चीज़ों से मैंने रूम अपना डेकोरेट किया है। बहुत ही कम प्राइस में चीज़ें हैं, तो आप उन्हें बाई भी कर सकते हैं, इतनी कम प्राइस में है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, पूरे रूम की साफ सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह का मैंने पोछा ले लिया है, क्योंकि जब मैं बैठ के लगाती थी तो मुझे पीरियड्स टाइम में बहुत दिक्कत होती थी। तो इस टाइम पर भी मेरा मंथ चल रहा है, तो मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसी से ही पोछा लगाती हूँ। तो मुझे ज़्यादा ये अच्छा लगा। तो आप ये वाला जो पोछा है इस तरह का ट्राई कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं पूरी जो वॉल है ये प्लेन है। इस पर सबसे छोटे छोटे जो कील आती है ना, उनको मैंने ठोका है। मेरे पास कोई वो नहीं थी हथौड़ी जो मैं उससे ठोकती, तो मैंने बेलन से ही ठोक दिया। मैं लेकर आऊँगी, एक दो दिन में मैं जाऊँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रूम में काम ही पड़ जाता है कि कभी कुछ लगाना होता है। तो ये चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए, जैसे प्लास हुआ, पेचकस हुए, तो इस तरह की चीज़ें हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो मैं लेकर आऊँगी, इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इस तरह से मैंने ये बेलन से ठोक दिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी थी और बेलन पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसलिए यहाँ पर मैंने दो तरफ कील लगा दी हैं। ठीक है, एक बीच में ऑलरेडी लगी हुई थी और मैंने दो तरफ लगा दी हैं। उसके बाद मैं फर्स्ट आपको ये प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, ये है मीशो का। ये मीशो पे 134 में मुझे 2 मिल गए हैं, 130 के, आपको कम के भी मिल जाएंगे। ये इस तरह से हैंगिंग है, ये वुडन के हैं, इस पर आप हैंग करके कुछ भी आप रख सकते हैं, जो आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। सो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये हैंग कर दिया। वीडियो थोड़ी हर में स्लो ही चल रही है वीडियो, क्योंकि मैं अच्छे से बता रही हूँ आपको, इसलिए। तो आप इस तरह से आपको हैंग कर देना है। बहुत ही आपको ये नहीं है बहुत भारी वर्कम कील लगा के आपको लगाना, छोटी मोटी कील लगा सकते हैं। अगर आप रेंटेड रूम में रहते हैं तो आपके जो भी ऑनर हैं वो भी कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मामूली सी कील है। ठीक है, और ये आराम से लग जाएगी, और जब भी आप ठोकेंगे तो कहीं आवाज़ भी नहीं जाएगी, क्योंकि आवाज़ सुन के वो लोग आ जाते हैं ना। तो आप अगर आपका घर है, खुद का है, अगर रेंटेड रूम है, कहीं भी है, तो आप ये चीज़ें तो आप इतनी मामूली सी लगा सकते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये वुडन के मैंने मिरर बाई किए हैं। ये भी मुझे सेट ऑफ 2 में मिले हैं, ये भी मुझे 134 के कुछ के मिले हैं, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। आपको मैं बताऊँ, जब भी पूरे रूम की लाइट जलेगी तो बहुत सुंदर लगेंगे ये। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये पॉट, ये भी मैंने मीशो से ही बाई किया था। ये भी 170 या 160 का कुछ का मुझे मिला था, और डील चलती रहती है मीशो पर, तो हमेशा आपको चीज़ें ज़्यादा या कम प्राइस होते रहते हैं, तो आपको ये कम में भी मिल सकती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक ये इस तरह से हैंग कर दिया है पॉट, और जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर कुछ और भी लगाना चाहें तो कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे कोई स्टैचू वगैरह रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मेरे पास ये चीज़ थी, तो मैंने ये लगा दी। उसके बाद आप देख सकते हैं ये पेंटिंग, ये 3D पेंटिंग है, इसे मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया। अगर आपके पास कुछ और चीज़ें जैसे फ़ोटो फ्रेम वगैरह है, तो वो भी आप ऊपर की तरफ लगा सकते हैं, बट मेरे पास फ़ोटो फ्रेम है, पर उसके लिए जो कील है ना वो थोड़ी सी मोटी लगती, तो वो बेलन से तो ठुकती नहीं, तो इस चक्कर में मैंने नहीं लगाया। और ये वाला जो फ्रेम है ये बहुत ज़्यादा हल्का है, तो इसे भी मैंने हैंग कर दिया, इसे ही हैंग कर दिया, मैंने कहा यही हैंग कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास फ़ोटो फ्रेम है तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ इस वाली बेडशीट की, ये तो दीवान बेड के लिए ये मैंने बेडशीट मंगाई थी, तो इसके साथ मुझे दो जो लंबे वाले पिलो होते हैं ना, उनका जो क्या नाम है, कवर मिले हैं, और 5 मुझे कुशन कवर मिले हैं, और एक ये बेडशीट मिली है। ये पूरे मुझे पड़े थे 349 रुपये में। ठीक है, तो उन्हीं सब चीज़ों से मैंने डेकोरेशन की है। सो आप देख सकते हैं इस तरह का आपको पूरा ये ऐसा मिल जाएगा।
पर आप जब जाएंगे तो आपको बहुत सारे और भी कलर में, अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग मटेरियल में आपको दीवान बेड की जो सेट है वो मिल जाएंगे। और प्राइस में भी डिफरेंस रहेगा, मैं आपको बताऊं तो मैंने यहाँ पर 3 लगाए हैं, बट ये मुझे सेट ऑफ 5 में मिले हैं, बट मैंने यहाँ पर 3 यूज किए हैं। सो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने पूरा जो रूम है डेकोरेट करने की कोशिश की। कुछ चीज़ें और भी मैंने मंगाई हैं, वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, देखते रहना। तो इस तरह से अगर जैसे आप छोटा सा रूम है आपका, आप मतलब अपने रूम को डेकोरेट करना चाहते हैं, मिनिमम चीज़ों से करना चाहते हैं, बजट में करना चाहते हैं, तो आपको मिल जाएगा। और मेरा जो बेड है ये मैंने जब मैं इस रूम पे शिफ्ट हुई थी ना, तब मैंने ये अपना बेड पूरा बनवाया था। यहाँ पर मैंने अपने कुछ बर्तन वगैरह रख दिए हैं, जो गेस्ट वगैरह आते हैं तभी हम निकालते हैं, क्योंकि रखने की इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। मैं आपको बताऊँ तो मैं सारी चीज़ें इसी में ही भर देती हूँ, अपने जो भी विंटर के कपड़े हैं या कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिन्हें हम डेली यूज़ नहीं करते हैं, सीजन वाइज सीज़न पे करते हैं, तो वो चीज़ें मैं इसमें रख देती हूँ। उसके बाद आप ये वाली टेबल देख सकते हैं, ये टेबल भी मैंने मीशो से ही ली थी और इसे लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया। आपको मैं बताऊँ ये पूरी फोल्ड हो जाती है, तो फोल्ड वाली है और काफ़ी अच्छी है। आपको मैं बताऊँ ये जो प्राइस थे ये 600 की कुछ की थी या 500 की, मुझे एग्जैक्ट की जो प्राइस हैं वो भी याद नहीं रहे हैं। तो अगर आप अगर लेना चाहेंगे तो मैं कोड वगैरह दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने रिव्यू किया है ना चैनल पे, तो वहाँ पर कोड पड़ा होगा। और इस तरह से ये जो फ्लावर पॉट है ये मैंने लोकल मार्केट से बाय किया, लेकिन इस तरह के जो पॉट हैं और जो फ्लावर हैं वो मीशो पर भी मीशो पर भी आपको मिल जाएंगे। और जो आप इस तरह की वो मेटल की जो ट्रे देख रहे हैं, वो वाली ट्रे मैंने मीशो से बाई की, इसका भी रिव्यू मैंने अपने चैनल पर दिया है। इस तरह से रूम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और छोटा सा रूम है मेरा, तो इसको मैंने इस तरह से अपना जो एक बेड साइड का जो एरिया है वो पूरा डेकोरेट किया है। और आपको कैसा लगा तो आप प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर आपका भी रूम है तो आप इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगाई हैं, तो उनका भी मैं रिव्यू डालूंगी और डेकोरेशन डालूंगी। सो आप देखते हैं साइड में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब मिनिमम चीज़ों से आप इस तरह का डेकोरेशन कर सकते हैं। जब आप रियल में देखेंगे ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कैमरा उतना अच्छे से मेरा कैप्चर नहीं कर पाता ना चीज़ें, बट आप रियल में देखेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। सो आप देख सकती 130 के जो मिरर हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार, 134 के क्या ही मिलेंगे। सो इस तरह से पूरा लगने वाला है। और वीडियो को प्लीज़ ऐसे शेयर करना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं आप लोग। ये है नेस्ट मॉर्निंग, तो आप ये देखते हैं ये स्टील का जो गेट है मैंने इसलिए लगवाया है क्योंकि यहाँ से बंदर नीचे की तरफ चला जाता है और वहाँ बहुत सारा सामान रखा हुआ है वो सारा फैला देता है, तो इसलिए स्टील का गेट उन्होंने ही लगवाया, जो मेरे ऑनर हैं उन्होंने ये लगवाया। पूरा जो गंदगी वगैरह फैली थी उसके मैं पूरा साफ़ कर रही हूँ। यहीं पर मैंने एक क्या कहते हैं विंड चाइम लगाया, उसको मैं दिखाऊँगी, उसकी आवाज़ आपको मैं सुनाऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जब भी हवा चलती है ना तो एकदम बहुत ही मधुर सी आवाज़ आती है, तो इसी के जस्ट ऊपर मैंने लगा दिया है। अभी मैं पूरा ये क्लीनिंग दिखा रही हूँ आपको, ये जो मेरी बालकनी है जहाँ मैं रहती हूँ, तो ये मेरा बालकनी का एरिया है। सो आप देख सकते हैं इस तरह की ये विंड चाइम है, इसकी जो आवाज़ है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत प्यारी आवाज़ है। उसके बाद जो लोग काम करने आए थे ना, जो काम कर रहे थे वो लोग रुके हुए थे, तो उन्हीं के लिए मैंने ये 2 कप चाय बनाई और ये 1 अपने लिए, क्योंकि वो उन्हें काफ़ी टाइम हो गया था, वो बहुत सुबह बहुत जल्दी आए थे, तो उन्हीं के लिए ये मैंने चाय बनाई है। और आई होप आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा वीडियो। प्लीज़ तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना।